कार्यकर्ता सम्मेलन में जोन इंचार्ज त्रिभुवन दत्त ने बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर की प्रत्याशी की घोषणा। 13 मार्च लंबे इंतजार के बाद बसपा सपा व रालोद संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जलालपुर विधायक रितेश पांडे के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान फैजाबाद और देवीपाटन मंडल के बसपा के इंचार्ज त्रिभुवन दत्त ने रितेश पांडे को प्रत्याशी घोषित किया। रितेश पांडे के नाम का ऐलान होते ही मंच पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। जलालपुर से बसपा के विधायक रितेश पांडे को पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, विधायक लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व विधायक अभय सिंह, सदस्य विधान परिषद हीरा लाल यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू के अलावा मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने बधाई दी। रितेश पांडे के नाम का ऐलान करने के साथ ही त्रिभुवन दत्त ने सभी से सहयोग की अपील की। रितेश पांडे के नाम की घोषणा होते ही गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर जारी प्रयासों पर विराम लग गया है। जनपद के लिए क्या है, आपका योजना क्या है, कार्य योजना? देखिए, जो जनपद की योजनाएं हैं, जो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, चाहे वो हमारा जो है PGI हो, चाहे यहाँ की रोडें हो, चाहे यहाँ का पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहाँ पे जिला अस्पताल हो, इन सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के उनको मजबूत करने के लिए काम किया जाए। क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव आयोग? आप सभी लोगों को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जिस कड़ी में आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था और अपने कार्यकर्ताओं को बड़े ही मजबूती के साथ तैयारी करने का संदेश आदरणीय बहन जी के द्वारा दिया गया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया है कि किसी भी कीमत पर, चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दल अपनी ताकत लगाएं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। और उस कड़ी में आज हमारे नेता आदरणीय बहन कुमारी मायती जी के निर्देश पर हमारे जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जुआ और तेज तर्रार साथी भाई रितेश पांडे जी को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बहुत भारी मतों से जीत करके गठबंधन का प्रत्याशी आएगा। और क्या है, जिस तरीके से भाजपा हावी अभी सरकार में है, उसकी कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे, सपा बसपा का गठबंधन कहां खड़ा हो पाएगा? नहीं, भाजपा किस तरीके से हावी है? भाजपा भ्रष्टाचार में हावी है, भाजपा कानून व्यवस्था बिगाड़ने में हावी है। जिस तरीके सांसद विधायक को मारता है, उससे आपको लगता है कि कुछ के करने की स्थिति में है? जहां DM बैठा हो, SP बैठा हो, प्रभारी मंत्री बैठा हो, जिले का सारा अमला बैठा हो, जहां पे योजनाएं पास हो रही हो, बजट पास हो रहा हो, ना वहां योजना पास हो पाई, ना बजट पास हो पाया, ना कानून व्यवस्था मेंटेन हो पाई, तो भाजपा किस मामले में सफल है?